नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24, मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। और बात कर लेंगे बिहार में महागठबंधन के उस विनिंग फॉर्मूला की जो तय हो गया है। आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर कई दिनों से उलझी हुई गुत्थी को अब सुलझा लिया, लेकिन सियासी गलियारों में ये खबरें तेज हैं कि बिहार में इस बार गठबंधन में लालू यादव की चली और उन्होंने कांग्रेस समेत बाकी पार्टियों के साथ खेला कर दिया है। ऐसे लोग इसलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस को बिहार में सम्मानजनक और पसंदीदा सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन इस गठबंधन के फॉर्मूले में कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटें मिली हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि पप्पू यादव को पूर्णिया की सीट का वादा देकर उनकी पार्टी का कांग्रेस में विलय कराया, फिर भी वो वादा पूरा नहीं कर पाए और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने बिहार में आरजेडी के सामने सरेंडर कर दिया है। बिहार में इंडिया गठबंधन का ब्लूप्रिंट तैयार। 3 लेफ्ट पार्टियां हैं, आरजेडी और कांग्रेस, यानी 5 दल, पांचों को जो है सीट बंटवारा हो गया। सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला हो गया फिर। दलों का होता है, व्यक्ति के इर्द गिर्द गठबंधन नहीं होता है और उस मर्म को सब लोग समझते हैं। कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट का महागठबंधन ने कर दिया ऐलान। 2024 के चुनाव का बिगुल बजते बिहार में इंडिया गठबंधन ने फाइनल फॉर्मूला फिक्स कर दिया, तय कर लिया है कि कौन कहां से लड़ेगा, कौन किस सीट से चुनावी शंखनाद करेगा, किस पार्टी को कौन सी सीट मिलेगी, किस पार्टी का नेता कहां से चुनावी मैदान में होगा, कांग्रेस और आरजेडी लेफ्ट के साथ मिलकर किस तरह एनडीए के बिहार में मिशन 40 पर सेंधमारी करने का प्लान बना चुके हैं। कुल मिलाकर तमाम माथा पच्ची के बाद आखिरकार बिहार में इंडिया गठबंधन ने बिहार का अपना फॉर्मूला फिक्स कर लिया। महागठबंधन में लेफ्ट पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी, 3 लेफ्ट पार्टियां हैं, आरजेडी और कांग्रेस, यानी 5 दल का ये महागठबंधन है और पांचों को जो है सीट बंटवारा हो गया। दूसरी तरफ एनडीए खेमे अगर आप देखेंगे तो कई लोगों को तो जगह मिली ही नहीं, कई लोग चले गए, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो हम लोगों का मजबूत गठबंधन है, जनता का गठबंधन है और हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। एनडीए के मुकाबले जिन्होंने अलग अलग दिनों में घोषणा की, आज पूरा महागठबंधन दल आपके समक्ष है और ये परिणति है एक प्रगतिशील विकल्प देने की, एक जुमले के खिलाफ हकीकत की राजनीति की, एक रोजगारोन्मुख जिसकी लंबी लकीर तेजस्वी जी ने खींची है उस लकीर के इर्द गिर्द एक वैकल्पिक राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनिश्चित किया जाए, इसकी मैं समझता हूं कि उसकी छाप आप इस सीट एलोकेशन में महागठबंधन में देख रहे हैं। 24 के चुनाव से पहले उठे तमाम सवालों के जवाब देते हुए इंडिया गठबंधन ने यह साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सभी अटकलों का जवाब देते हुए अपने गठबंधन की गांठ को और मजबूत करते हुए एनडीए को बड़ी चुनौती देने की तैयारी कर चुका है। लिहाजा चुनाव से ठीक पहले इंडिया अलायंस ने फाइनल फॉर्मूला पर मुहर लगा दी। पटना में राजद ऑफिस में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया गया। आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जबकि कांग्रेस को 9 और लेफ्ट को 5 सीटें मिली। लेफ्ट की 5 सीटों में से माले 3, सीपीआई बेगूसराय और सीपीएम खगड़िया से चुनाव लड़ेगी। सीपीआई बेगूसराय, सीपीआई एमएल आरा काराकाट नालंदा, इंडियन नेशनल कांग्रेस असेंबली इलेक्शन, अब यहाँ असेंबली बाई इलेक्शन उनका था या सिर्फ उनको लड़ेंगे, अब यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम, महाराजगंज। दिल्ली में राजद और कांग्रेस नेताओं के बीच 3 दिनों तक मंथन के बाद नियम और शर्तों के साथ फॉर्मूला तय हुआ। अब भी तेजस्वी यादव दिल्ली में हैं। पटना में आरजेडी दफ्तर में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, श्याम रजक, उदय नारायण चौधरी और लेफ्ट पार्टियों से धीरेन्द्र झा, राम नरेश पांडे मौजूद। बिहार में जिन 26 सीटों पर आरजेडी लड़ेगी उनमें औरंगाबाद, मधेपुरा, गया, जमुई,
नवादा, सारण, पाटलिपुत्र, बक्सर, उजियारपुर, जहानाबाद, दरभंगा, बांका, अररिया, मुंगेर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, मधुबनी, सीवान, हाजीपुर, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, सुपौल, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज और पूर्णिया शामिल हैं। बिहार में कांग्रेस के खाते में जो सीटें गई हैं उनमें कटिहार, किशनगंज, पटना साहिब, पश्चिमी चंपारण, सासाराम, महाराजगंज, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर शामिल। वहीं सीपीआई एमएल को 3 सीट आरा, नालंदा और काराकाट दी गई हैं। सीपीआई को 1 सीट बेगूसराय दी गई है। सीपीएम को 1 सीट खगड़िया दी गई है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन के बीच कई दिनों से पेच फंसा हुआ था। अब आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल के बीच सीट शेयरिंग हो गई है। आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस 9 सीटें कांग्रेस को दी गई है, वहीं वाम दल को 5 सीटें मिली है। भाकपा माले को 3 सीट, सीपीआई को 1 और सीपीआईएम को भी 1 सीट दी गई है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच फंसी पूर्णिया सीट का अपडेट यह है कि यह लालू यादव की पार्टी में ही रहेगी। कांग्रेस को इस सीट से बड़ा झटका लगा है, साथ ही पप्पू यादव के लिए भी यह बुरी खबर है। पप्पू यादव तो टाइम आउट का शिकार हो गए, क्योंकि चुनाव से पहले ग्लव्स पहने, पैड बांधे, बल्ला हाथ में लिया और मैदान में उतरने ही वाले थे कि आरजेडी ने बीमा भारती को पूर्णिया से चुनावी मैदान में उतार दिया। यानी पप्पू यादव तमाम तैयारियों के बावजूद टिकट की रेस से आउट हो गए। वो टाइम आउट होकर मैदान में उतरने से पहले ही पवेलियन में बैठ गए। पूर्णिया से हमको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी और राजमाता के आशीर्वाद मिल चुका है। हमारे सम्मानित है, हमारे गार्जियन है, अभिभावक है, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहती हूँ, वह भी हमारे साथ दे करके और जो है कि चुनाव जिताने का काम करें। सीमांचल की जनता अपने कांग्रेस के झंडा स्वीकार करती है और सीमांचल में कांग्रेस की झंडा स्थापित करना मेरा पहला धर्म है। तारीख थी 19 मार्च। उस दिन सुबह से बिहार में हलचल शुरू हो गई कि पप्पू यादव कोई बड़ा फैसला लेने वाले, और शाम होते होते ये तस्वीर साफ होने लगी कि पप्पू यादव इंडिया गठबंधन से हाथ मिलाने वाले। लालू यादव से मिलने के बाद पप्पू यादव दिल्ली पहुंचे और कांग्रेस दफ्तर में जाकर कांग्रेस में शामिल हो गए। मेरा संकल्प है जनता की भावनाओं के साथ खड़े रहकर राहुल गांधी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना, मेरा संकल्प, पूरा संकल्प इस देश का है राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना। हालांकि पप्पू यादव के चुनाव लड़ने की उम्मीद अभी टूटी नहीं है। न्यूज 24 से खास बातचीत में उन्होंने हमारे संवाददाता प्रिंस गुप्ता को बताया कि पूरा बिहार उनका है। उनसे बातचीत के बाद ही पूर्णिया की सीट कांग्रेस ने आरजेडी को सौंपी। मेरे लिए चुनाव लड़ने का कोई सीट का मतलब नहीं है। बिहार के किसी भी हिस्सों में मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। पहले ही और आज तक, अभी तक, आधा घंटा पहले तक, कल भी पूछा गया कि क्या आप मधेपुरा सुपौल जा सकते हैं, तब जाके वो सीट कैंसिल हुआ, अन्यथा सीट के कांग्रेस को मिल गई थी। पहले समझिए, आज सुबह दोनों सीट कैंसिल हुई, फिर अभी आधा घंटा पहले हमको पूछा गया कि क्या अभी भी आप बताएं जा सकते हैं अंतिम। अब आप हमको बताइए, मेरे पास सिवाय पूर्णिया के, मैं, मेरा सवाल इतना है कि 20 साल हम पूर्णिया में राजनीति नहीं किए या नहीं, हम राजनीति में, हम अगले बार यहाँ पर नॉमिनेशन देना चाहते थे रंजीत रंजन जी के कांग्रेस में नॉमिनेशन के कारण, और यहाँ कांग्रेस ने जिस उम्मीदवार को टिकट दिया तो हमें निर्णय लेना पड़ा मधेपुरा जाने का, अगले बार ही हम चुनाव लड़ते। तो जब 20 साल में आपने किसको टिकट दी, आप अगले बार जब कांग्रेस ने टिकट दिया तो उस वक्त आपने क्यों नहीं कहा कि आरजेडी यहाँ से लड़ेगी, उसके पहले कांग्रेस लड़ी तो आपने क्यों नहीं कहा आरजेडी लड़ेगी। इस बार
जब पप्पू यादव कांग्रेस ज्वाइन कर लिए और आप उस दिन जब हमसे कहे कि पप्पू तुम ही को चुनाव लड़ना है, तुम पार्टी ज्वाइन करो, मैंने आपसे कहा कि चुनाव हम लड़ेंगे लेकिन पूर्णिया से हमें कोई आपत्ति नहीं और चीज़ों में। तो कोसी सीमांचल लगातार राजद और इस गठबंधन से बाहर रहा। आज ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई, पप्पू यादव आपसे न दो सीट तो मांगा नहीं, तीन सीट मांगा नहीं। हम जब कांग्रेस की आइडेंटिटी के लार्जर कॉज के चलते और ब्रॉडर प्लेटफॉर्म को हमने देखा और हमको लगा हमने कि एक गठबंधन को मजबूत करने की जरूरत है और देश का जो मिजाज है वो राहुल गांधी को पीएम देख के रूप में देखना चाहता है। यही नहीं, पप्पू यादव ने आरजेडी से भी मनमुटाव की खबरों को दरकिनार करते हुए कहा कि परिस्थितियां हीरो बनाती है। कोई खटास नहीं जी, न होगी, मैं हमेशा साथ रहूंगा। देखिए परिस्थितियां हीरो बनाती है, टाइम हीरो बनाता है, भीड़ नहीं बनाती। दुनिया का इतिहास ही नहीं कि भीड़ किसी को हीरो बनाया है। जब टाइम तेजस्वी यादव जी के साथ है, हमारा क्या जाता है। मैंने पहले भी कहा कि मेरी पूजा और इबादत में कोई कमी रह गई होगी लालू यादव जी की और कोसी सीमांचल की। बिहार में फिलहाल सबसे हॉट सीट पूर्णिया बनी हुई है, ये सबसे ज्यादा चर्चा में है। इस सीट पर पिछले दो दशकों से भाजपा और जदयू का दबदबा रहा है। पूर्णिया सीट की पहचान पहले सेंट्रल सीट के रूप में होती थी और 1977 से पहले इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई और पप्पू यादव ने इस सीट के लिए एड़ी चोटी का प्रयास किया, लेकिन ये सीट राजद के कोटे में चली गई, जिसके बाद एनडीए गठबंधन ने भी इस मामले में चुटकी लेने में देर नहीं लगाई। क्या फर्क होना पड़ना है, पहले से पता है कि बात बननी ही है, कुछ होना नहीं है। बिहार में पिछले बार भी वो लड़े थे, इस बार भी लड़ेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगी। देखिए ऐसा है, बिहार में लालू प्रसाद जी एक छत्र नेता है, उनकी मर्सी पर यहाँ महागठबंधन है, चाहे कांग्रेस हो चाहे वाम दल हो। लालू जी चाहेंगे तो इन लोगों को देंगे, ना चाहेंगे तो नहीं देंगे। किन्हीं का, कांग्रेस का तो वजूद ही नहीं है। पूरी एकजुटता के साथ तमाम रणनीति हम लोगों की बन गई है, 40 में 40 जीतेंगे। तो संकल्प है, जो लक्ष्य है उसको पूरा करेंगे। जनता के बीच उनकी बात नहीं बनने वाली है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। दरअसल राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पूर्णिया सीट पर लंबे समय से दावेदारी कर रहे थे। वो लगातार पूर्णिया सीट पर एक्टिव थे और लोगों से मुलाकात कर रहे थे। खबरें तो यही है कि पप्पू यादव कांग्रेस में इसी शर्त पर गए कि उन्हें इंडिया ब्लॉक से पूर्णिया को उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन अब जब यहां से टाइम आउट हो गया तो पूर्णिया की जनता भी उनके समर्थन में उतर आई। पूर्णिया में हर एक लोग पप्पू यादव बन चुका है, पप्पू यादव ही है, समझ लीजिए, ठीक है। देखिए इनके साथ धोखा किया गया। बिहार की जरूरत नहीं, इस देश की जरूरत पप्पू यादव है, इस देश की जरूरत। पप्पू यादव एक ऐसा चेहरा है जो गरीबों के मसीहा के नाम से जाना जाता है। आदरणीय पप्पू यादव जी अगर इंडिविजुअल भी चुनाव लड़ेंगे ना, तो यहाँ सब जितना कैंडिडेट है ना, उन सभी का जमानत। अच्छा ये बताइए, पप्पू यादव और पूर्णिया में उनके समर्थक भले ही अभी भी उनकी टिकट के लिए डिमांड कर रहे हों, लेकिन इस मुद्दे को भुनाने और मुद्दा बनाने में बीजेपी और एनडीए गठबंधन ने जरा भी देर नहीं लगाई। परिवारवाद और भ्रष्टाचारियों की जमात विश्वास खो चुका है, नीयत में खोट है, इसलिए वो सफल नहीं हो रहे हैं। और जनता भी समझ चुकी है कि ये व्यक्ति परिवार से बाहर नहीं निकल सकता, और जो परिवार के हित को सोचता है वो राष्ट्र का हित नहीं कर सकता। कांग्रेस अपना अस्तित्व को खो चुकी है, क्षेत्रीय पार्टी राजद के सामने आज समर्पण कर चुकी है। अब यहाँ से क्या इंडिया गठबंधन का फॉर्मूला फिट बैठेगा, ये देखने वाली बात होगी। जंग जबरदस्त है, देखना दिलचस्प होगा क्या इंडिया गठबंधन की ये स्ट्रेटेजी काम करेगी, क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला विनिंग टोटल में स्ट्राइक रेट को सुधार कर एनडीए के खेमे को आउट कर पाएगा, क्योंकि बिहार में एनडीए का कुनबा मजबूत होता जा रहा है, जिसे इस तस्वीर से समझिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दूसरा भतीजा मिल गया है। इससे पहले उनके साथ अक्सर तेजस्वी यादव को देखा जाता था, मगर गुरुवार को नीतीश कुमार से मिलने में चिराग पासवान कामयाब रहे। नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद चिराग पासवान की पहली मुलाकात है। वैसे शपथ समारोह में चिराग पासवान जरूर शामिल हुए थे।
मगर बहुत नोटिस नहीं किया गया। मगर सीट बंटवारे का मामला सुलझ जाने के बाद चिराग पासवान ने इत्मीनान से नीतीश कुमार से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात की तस्वीरें भी जारी की गई। 400 सीटों पर इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। 2019 में हम तीन दल थे, तब तो हम लोग 40 में से 39 सीटें हम लोग जीते। आज की तारीख में हम लोग 5 दल हैं, 2 और मजबूत दल हमारे गठबंधन में जीते में जुड़े हैं। ऐसे में पूरे विश्वास के साथ और नामांकन में हम लोग गए हैं। जिस तरीके से माहौल है, लोगों में जो उत्साह है, ये अपने में दर्शाता है कि बिहार की 40 की 40। और ये सिर्फ बिहार का माहौल नहीं, देश में भी 400 पार का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसको हम लोग सरलता से हम लोग पार कर रहे हैं। बीजेपी जानती है कि नीतीश के आ जाने के बाद चिराग नाराज थे, फिर भी बीजेपी के लिए चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने नीतीश के लिए भी सभी दरवाजे हमेशा के लिए बंद होने के अपने बयान से यू टर्न लेते हुए नीतीश कुमार को फिर से एनडीए में शामिल कर लिया। इतना ही नहीं, दोनों दलों के बीच पहले की तरह सीटों का बंटवारा भी हुआ है। बिहार में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर फाइनल मुहर लग गई है। बीजेपी बिहार में बड़े भाई की भूमिका में है। प्रदेश के कुल 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 17 सीट, जेडीयू 14 और चिराग पासवान की एलजेपी को 5 सीटें मिली। इसके अलावा एनडीए में शामिल जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक एक सीट दी गई है। एनडीए के सीट बंटवारे में ऐसा खेला हुआ कि पशुपति पारस खाली हाथ रह गए। एनडीए के रणनीतिकार सीट एडजस्टमेंट को लेकर एक आधार तो तैयार कर ही चुके थे। मसला सिर्फ इतना सुलझाना था कि जेडीयू के एनडीए में आने के बाद जो छोटे छोटे दल हैं, उनका एडजस्टमेंट कैसे किया जाए, खासकर वो दल जिनके पास एक भी सिटिंग सांसद नहीं थे। अब इन्हें एडजस्ट करने को लेकर 2019 में जो सिटिंग एनडीए के बीच हुई थी, उसमें मामूली फेरबदल हुआ। यही फेरबदल अब बिहार के राजनीतिक गलियारों में बवाल की वजह है। लेकिन अब एनडीए के बाद जब से बिहार में इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आया है, एक नया घमासान शुरू होता दिखाई दे रहा है। खासकर उस सीट पर जहां से टिकट की डिमांड तो पप्पू यादव ने की थी, लेकिन अब आरजेडी के पाले में जाने से क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक रहेगा, या फिर ये चिंगारी शोला बनकर बिहार में इंडिया गठबंधन की बहार के माहौल को बिगाड़ सकती है। पूर्णिया से प्रिंस गुप्ता और पटना से सौरभ कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।